एनटीपीसी और एसएससी परीक्षा को लेकर चलाए जा रहे मैथमेटिक्स के नौवें कड़ी में आपको काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों से मुलाकात कराएंगे। इन सीरीज को चलाने का एक ही मकसद है, इन सीरीज के माध्यम से आपको हर एक रंग बिरंगे प्रश्नों से मुलाकात होगा। इसी ढंग के प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। आशा और उम्मीद है हमारे वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहेंगे, जिनसे प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको परेशानी नहीं हो सके। तो आइए हम चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न हमारा क्षेत्र मिति से रिलेटेड है। क्वेश्चन है कि 15 × 20 इस ढंग का क्या है? एक खेत है, बोला 15 मीटर चौड़ाई है और 20 मीटर क्या है लंबाई है, बोला आयताकार मैदान में खड़े खंभे के एक गाय 7 मीटर इसके बीच में कब होगा? जब इसका विकर्ण जो होगा, इसका जो कवर होगा, टच जो करेगा, यही बोला विकर्ण। बोला एक गाय यहाँ क्या है बना हुआ है जो 7 मीटर रस्सी है, इसका रस्सी का लंबाई कितना है? 7 मीटर है। बोला ये गाय जो है ये क्या करती है? घूम के चढ़ती है। और आपको बताना है कि इसमें मैदान का हुआ कौन सा एरिया बचा जो कि गाय क्या है पहुंच से परे है। इसका मतलब ये जो एरिया है, इस एरिया का क्या करना है? क्षेत्रफल निकालना है कि ये कितना सा एरिया ये बच गया जिस एरिया को गाय क्या कर सका? कवर नहीं कर सका, वो चल नहीं सका। तो हम क्या क्या दिमाग लगाएंगे? ऐसा हम करते हैं कि इसका क्षेत्रफल पूरा का पहले निकाल लेते हैं, फिर ये गोल वाला जितना सच्चा है उसका निकाल लेते हैं और उसमें इसको घटा देंगे, मेरा क्या हो जाएगा? एरिया निकल जाएगा कि कितना सा एरिया में गाय नहीं चढ़ पाया। और उसके बाद इसका बोला परसेंटेज निकालना है। जब इसका वैल्यू निकाल लेंगे तो फिर तो परसेंटेज निकालना क्या है, आसान है। तो पहले इसका एरिया निकालते हैं, आयताकार क्या लंबाई गुना चौड़ाई, तो कितना हो गया 300 मीटर स्क्वायर। अब हम चलते हैं ये जो वृत्ताकार जो गाय जो चरी है इसका एरिया क्या होगा, तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू 7 का स्क्वायर कितना 22/7 × 7 × 7 कितना 154 मीटर स्क्वायर। अब आप बता सकते हैं ये कितना सा एरिया नहीं चरा, टोटल था एरिया कितना 300, ये चरा कितना 154, तो मेरा कितना सा एरिया नहीं चर पाया, तो 300 − 154 कितना 146 मीटर स्क्वायर जो है एरिया नहीं चर सका। अब बोला इसका क्या कीजिए, परसेंटेज निकालिए, तो जो एरिया बचा है उतना गुना 100 / टोटल एरिया कितना 300, तो 146/3 कितना 4 × 12 = 26 हो गया, 3 × 8 = 24 कितना बच गया 2 × 48 = 2/3 मेरा किस ऑप्शन में था, बी ऑप्शन में था, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। था आसान सवाल। नेक्स्ट सवाल, दूसरा सवाल है हमारा 44 मीटर परिमाप वाले एक वर्ग आराम से बनाएंगे। क्या बोला, आयताकार इस जो वर्गाकार है इसका परिमाप कितना 44 मीटर, और ये वर्ग है, वर्ग का परिमाप हम क्या जानते हैं 4 × भुजा, इसका वैल्यू दिया हुआ था 44, तो 4 × भुजा इसका मतलब भुजा का मान कितना 11 मीटर ना। आगे हम चलते हैं, 11 सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर कर दिए, ये सेंटीमीटर था। आगे बोला कि और 44 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त है, इसका जो परिधि है इसका मतलब 2πr का जो वैल्यू है उसका भी वैल्यू कितना है 44 सेंटीमीटर है। इस कंडीशन से भी r का हम क्या करेंगे मान निकालेंगे, 22/7 × r² कितना 44 × 44 r का वैल्यू कितना 7। अब क्वेश्चन मेरा कह रहा था इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल में कंपैरिजन कीजिए कि किसका क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। तो हम कंपैरिजन कब करेंगे, जब क्षेत्रफल निकालेंगे, ये वर्ग का क्षेत्रफल कितना भुजा स्क्वायर इसका मतलब कितना 121, इसका क्षेत्रफल क्या होगा पाई स्क्वायर 22/7 × 7 का स्क्वायर एक साथ कैंसिल कितना 154। अब बताएं कि वर्ग का अधिक है कि इसका अधिक है, हम क्या बोलेंगे वृत्त का अधिक हो गया, किसका अधिक हो गया वृत्त का अधिक हो गया, कितना अधिक हो गया 154 − 121 = कितना 33 सेंटीमीटर क्या स्क्वायर, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो किस ऑप्शन में था, बोला किसका अधिक है, तो किसका अधिक हो गया वृत्त का अधिक हो गया, कितना अधिक तो 33 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल
क्या होगा इसके लिए हमको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जानना होगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? रूट तीन बटा चार गुना भुजा का स्क्वायर। तो रूट तीन बटा चार भुजा का मान कितना बोला था? 12 सेंटीमीटर भुजा वाले, तो 12 गुना कितना? 12 चार तिया 12 कितना गया? 12 तिया 36 रूट तीन क्या सेंटीमीटर स्क्वायर था मेरा। बी ऑप्शन में सही यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया था। आसान सवाल। चौथा सवाल है 1500 कर्मचारियों वाले एक फर्म में 300 की वेतन वृद्धि हुआ। क्या बोला? 1500 कर्मचारी है। कोई कोई विद्यार्थी बड़ा क्वेश्चन देखेगा छोड़ देगा। बोला टोटल कर्मचारियों की संख्या 1500, बोला 300 का वेतन वृद्धि होता है। 300 का क्या हो वेतन वृद्धि हो रहा है, और बोला 100 का क्या होता है पदोन्नति मतलब प्रमोशन होता है। उसके बाद बोला कि 50 को दोनों लाभ मिलता है। 50 को क्या मिलता है? दोनों लाभ मिलता है। तो बताइए कि कितने कर्मचारियों को कोई लाभ नहीं मिला? कोई लाभ नहीं मिला ना। कोई कोई इसको क्या करेगा? जोड़ देगा या घटा देगा। उसका क्या आ जाएगा? गलत हो जाएगा। हम वेन डायग्राम से बनाते हैं आराम से। क्या ये घर हो गया मेरा किसका? ये हो गया वेतन वृद्धि का, और ये घर किसका हो गया? ये घर मेरा हो गया पदोन्नति का ना। अब हम चलते हैं। क्या बोला था? बोला 50 जो है दोनों में है, ये दोनों में यही सन एरिया था। इसका मतलब इस बॉक्स में कितना था? 50 था। अब बोला था कि 300 कर्मचारी का वेतन वृद्धि होता है। ये मेरा घर था वेतन वृद्धि का ना। जब 50 हो गया टोटल कितना करना था? 300। इसका मतलब ये जो रेस्ट बच गया कितना? 250। इसीलिए ये वाला घर था वेतन वृद्धि का। 300 हुआ 250, यहाँ 50 यहाँ। अब बोला पदोन्नति कितना है? 100। ये वाला घर था किसका? पदोन्नति का। 50 को तो पहले से हो गया। 50 को क्या करते हैं? एक और जोड़ देंगे। कितना? 100। सब सेटलमेंट हो गया। 300 का बोला वेतन वृद्धि, ये भी सेट हो गया। 100 का बोला पदोन्नति, 50 और 50 पदोन्नति भी हो गया, और 50 क्या हो गया? दोनों का लाभ। इसका मतलब इतना आदमी को लाभ मिला कितना हो गया? 250 और 50, 300 और 300 और 50 कितना? 350। टोटल आदमी 1500। जब 350 आदमी को लाभ मिला, बोला था कितना आदमी को लाभ नहीं मिला, मतलब 1500 माइनस कितना? 350। ये 50 हो गया, और ये कितना हो गया? 1100। मतलब कितना? 1150। बोला कि 500 कर्मचारी है जिसमें ए जो है पसंद करता है कितना? 275 पसंद करता है, और एक मिनट 250 पसंद करता है ये, और बी क्या बोला? 275 पसंद करता है। तो बताइए कितना आदमी जो है कम से कम ए और बी दोनों को पसंद किया? किसको पसंद किया? बोथ को पसंद किया। तब आराम से बना सकते हैं यूनियन इंटरसेक्शन के माध्यम से, नहीं तो आप सिंपल विधि बना सकते हैं। इस दोनों को यदि जोड़ते हैं ए और बी कितना, तो ये हो गया 5 5 2 7 और कितना? 525। यहाँ तो हो गया 525। कर्मचारी कितना था? 500 बढ़ गया। इसका मतलब कितना? 25 बढ़ गया। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। अब बोलेंगे हजम नहीं हुआ, अब आराम से क्या कर सकते हैं? टेबल भी बना सकते हैं। कैसे? तो बोला था इसका जो घर होना चाहिए कितना? 250, और इसका कितना होना चाहिए? 575। तो कितना था इसको जोड़े थे मेरा? 525 था कर्मचारी कितना? 500। इसका मतलब 25 जो कर्मचारी एक्स्ट्रा बढ़ गया, मतलब कि दोनों के यहाँ आता होगा। यही था दोनों के यहाँ भोज खाने वाला। ये जो आदमी था ये बीच वाला क्या बोल रहा था? इसके यहाँ भी भोज खाने में था, इसके यहाँ भी भोज खाने था। इसका मतलब ये जो एरिया था इसके यहाँ भी गिनती हो गया, इसके यहाँ भी गिनती। कितना मेरा निकला था? 25। अब हम बनाते हैं ए और ये बी का डायग्राम। ए बोला था 250, जब यहाँ 25 हो ही गया ये घर कितना? 225। तब ना ये दोनों जोड़ के 250। ये बी बोला था 275, ये 25 हो गया, तो बच गया मेरा कितना? 250। अब आप देखें टोटल यही कर्मचारी था, 500 होना चाहिए। 500 का 250 और 25 275, 275 और 225 कितना? 500। आंसर था आसान सवाल। यदि ये भी आपको समझ में नहीं आया, और तरीका है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी कितना? टोटल कर्मचारी 500, बोला फर्स्ट कितना था? 250, बी कितना था? 275। बोला था दोनों जो है कितना है उसको क्या करना है? निकालना है। आप सूत्र पढ़े हैं एन ए यूनियन बी क्या?
एन ए प्लस एन बी माइनस ए इंटरसेक्शन क्या बी, यहाँ कितना 500, कितना बन गया था 250, 275 माइनस क्या वाट, तो 500 और ये दोनों जोड़ेंगे तो 525 माइनस वाट, तो वाट का वैल्यू कितना 525 माइनस 500 बराबर कितना 25। तीनों तरीका में जो पसंद हो आप उस ढंग से क्या करें बना सकते हैं। समानांतर चतुर्भुज है, इस ढंग का क्या कर दिए समानांतर चतुर्भुज खींच दिए, बलाई किसके भीतर है वृत्त के भीतर है, इसको क्या कर दिए वृत्त के भीतर कर दिए ना, फोटो थोड़ा सही बना लेंगे अपने से। उसके बाद बोला बताइए ये जो चतुर्भुज बना ए बी सी डी क्या होगा, ये समलंब चतुर्भुज होगा, समलंब तो इस ढंग से होता है, इस ढंग का आकृति है नहीं है, ये भी नहीं है। बोला वर्ग होगा, वर्ग में क्या होना चाहिए सब भुजा बराबर होना चाहिए है नहीं है। बोला सम चतुर्भुज, इसका भी चारों भुजा क्या होना चाहिए बराबर, बोला आयत आयत का कंडीशन है केवल आमने सामने का क्या भुजा बराबर, तो मेरा आंसर क्या आ गया डी हो गया। नेक्स्ट सातवां सवाल, बोला एक समचतुर्भुज का विकर्ण 15 सेंटीमीटर है और कितना है 20 सेंटीमीटर है, इसका बोला क्षेत्रफल निकालिए। क्षेत्रमिति के प्रश्न में यदि आपको सूत्र याद नहीं रहेगा तो प्रश्न नहीं बनेगा। इसका सूत्र होता है 1/2 गुना पहला विकर्ण और गुना क्या दूसरा विकर्ण, तो 1/2 गुना 15 गुना कितना 20 कैंसिल हो गया, 15 गुना 10 कितना 150 सेंटीमीटर, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। आठवां सवाल योग से रिलेटेड है, बोला कि कुछ नहीं करना 3√x माइनस 5√y, इसको जो है क्या करना है इसमें से 2√x प्लस 3√y को क्या करना है घटाना है, कोई इसी में मिस्टेक कर देगा तो आराम से हम बनाएंगे माइनस 5√y माइनस 2√x और माइनस कितना 3√y, और x वाले को x वाले के साथ y वाले को यहाँ ई बोला था 3√x और यहाँ 2√x घट गया कितना बच गया 1√x, यहाँ 5 को माइनस रूट टू आया यहाँ माइनस 3 बोल कितना माइनस 8√ क्या हुआ, मेरा था ऑप्शन में बी ऑप्शन में था, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है नेक्स्ट नौवां सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 16x का गैर मूल क्या होगा, इसका मतलब है कि एक आंसर x बराबर 0 दिया हुआ है, दूसरा आंसर क्या होगा इसको क्या करना है निकालना है, तो गुणनखंड हम इधर में कॉमन x हो गया माइनस 16 बराबर 0, तो x बराबर 0 आएगा आंसर क्या लिख सकते हैं x माइनस 16 बराबर 0, x का वैल्यू कितना 16, ये तो पहले से बोला था, बोला दूसरा क्या होगा तो x का मान कितना 16, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, बोला ये जो डिजिट दिया हुआ है इनके वर्गों का योग, मतलब कि इसको स्क्वायर कर दीजिए ठीक है, और क्या कीजिए उसके बाद इससे भाग दीजिए, किसका इसका क्यूब कर दीजिए, जो डिजिट था सबका क्यूब कर दीजिए और क्या कर दीजिए भाग दे के देखिए ये दोनों का अनुपात क्या होगा, इसका मतलब ये जो डिजिट दिया हुआ था सबका स्क्वायर कर दीजिए और सबके क्यूब करके जोड़ के देखिए इसका रेशियो क्या होगा, उसका आप मान निकालिए। तो 2 का स्क्वायर कितना 4, 1 का स्क्वायर 1, 0, 1 और कितना 4, किसी किसी को ये माइनस देख के भारी लगता है तो माइनस का स्क्वायर मतलब 2 बार करेंगे या 4 बार करेंगे, ये यदि सम संख्या होगा तो उसका रिजल्ट प्लस होगा, यदि विषम संख्या होगा तो क्या होगा माइनस होगा। इसको हम देखते हैं 2 का क्यूब कितना 8, अब यहाँ माइनस था यहाँ विषम था, क्या बोले थे यदि सम पावर आता तो प्लस होता विषम होगा तो माइनस हो गया, यहाँ 1 का क्यूब 1 यहाँ विषम पावर है तो माइनस, 0 प्लस 1 और प्लस 2 का क्यूब कितना 8, 8 प्लस 8 माइनस 1 प्लस 1 माइनस क्या बच गया 4, 1 5 और 5 5 कितना 10/0 मतलब कितना, कोई भी चीज को यदि 0 से भाग देंगे तो क्या इनफिनिटी मतलब क्या डी आंसर मेरा हो गया। नेक्स्ट प्रश्न 11 एचपी से रिलेटेड है, कोई कोई हरात्मक श्रेणी ना, कोई कोई बोलेगा परेशानी है हरात्मक श्रेणी कुछ नहीं है, जब आप समांतर श्रेणी पढ़े होंगे एपी पढ़े होंगे इसी को केवल रिवर्स हम कर देंगे वही मेरा क्या हो जाएगा हरात्मक श्रेणी में हो जाएगा। कहने का मतलब जैसे हम 10 20 30 40 इसको रखते हैं एपी में, क्यों सेम पढ़ रहा था अंतर कितना का था 10 का था, यदि 3 6 9
12 15 इसको क्या बोलेंगे, ये एपी में क्यों सब में डिफर करना हो रहा है, तीन तीन बढ़ रहा है, इसका मतलब सेम बढ़ते जाए सेम घटते जाए, इसको बोलेंगे क्या है, समांतर श्रेणी में। इसी को केवल हम रिवर्स करके लिख देंगे, मतलब 1/10 1/20 1/30 1/40 ये क्या बोलेंगे एचपी में, मतलब हरात्मक श्रेणी में। यही चीज क्या करना था, खोजना था। इसका मतलब जो संख्या दिया हुआ उसको केवल रिवर्स कर देंगे और हम चेक कर लेंगे, यदि वो एपी में होगा तो हम उसको समझ लेंगे क्या है एचपी में। तो पहला ऑप्शन मेरा क्या था, 7, 10, 13 और क्या था 16, ये किस में पूछा था, बोले एचपी में। यदि इसको पलटाते हैं फिर क्या होना चाहिए, 1/7 1/10 1/13 इसको घटाएंगे इसको घटाएंगे सेम होना चाहिए तब ना एपी में होगा, ये नहीं है इसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट मेरा उदाहरण था 1/4 1/4 1/7 और 1/10, इसको यदि रिवर्स करते तो 1 मिलेगा, इसको रिवर्स करते 4 इसको 7 इसको 10 इसको, ये एचपी में था, ये बोला ये समांतर श्रेणी में यदि हो जाए तो हम बोलेंगे ये क्या है हरात्मक श्रेणी में। यहाँ कितना कितना बढ़ रहा था, सब में तीन तीन बढ़ रहा था, इसका मतलब जब ये एपी में समांतर श्रेणी में हो गया इसको ये रिवर्स किया था, यही खोजना था कौन हरात्मक श्रेणी में है। था आसान सवाल। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन है 10 मित्र एक दूसरे से हाथ कितनी बार मिलाएंगे, काफी बार बताएं, क्या करना कि जितना मित्र हो, एक आदमी यदि 5 आदमी है तो वो कितना आदमी से मिलाएगा, 4 आदमी से हाथ मिला सकता है, हर एक यदि 5 आदमी है हर एक आदमी से, ये 5 आदमी 1 2 3 4 5 इसको बोलेंगे तुम हाथ कितना आदमी से मिलाएगा, ये 4 से मिला सकता है, ये किससे मिला सकता है, ये 4 बजे बच गया इससे, इसको बोलेंगे सब 4 4, लेकिन हाथ जब मिलेगा तो क्या होगा, ये बोला हम भी 4 गए, ये बोला हम भी 4 गए, लेकिन हाथ जब दोनों का मिलन होगा तो गिनती कितना होगा, 1 होगा, लेकिन वहां हाथ क्या होगा मिला है 2 होगा, मतलब कि 2 से क्या करेंगे भाग दे देंगे, 10 आदमी है तो कितना 9 आदमी से भाग लगेगा, 9 आदमी से क्या करेगा हाथ मिलाएगा, 2 से भाग दे दिए कितना 45। था आसान सवाल, इस जन का काफी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न बोला कि क्या करना है, बहुभुज में भुजाओं कितना विकर्ण है, इसके लिए आपको विकर्ण का सूत्र याद रखना होगा, विकर्ण का सूत्र होता है NC2-N, क्या होता है इसको लिख ले याद करने के लिए NC2-N। अब यदि हम उदाहरण लेते हैं एग्जांपल वर्ग का या आयत का ना, तो इसमें कितना भुजा 4 भुजा, तो हम क्या करेंगे 4C2- क्या 4 ना। अब ये यदि परमुटेशन कम्बिनेशन आप नहीं पढ़े हैं फिर नहीं बनेगा, उसके लिए क्या सूत्र है एनसीपी यदि रहेगा, फैक्टोरियल एन बटा फैक्टोरियल एन माइनस पी और फैक्टोरियल पी, और ये परमुटेशन का यदि बात रहेगा यहाँ कुछ भी एम रखें फैक्टोरियल एन और फैक्टोरियल एन माइनस एम, इसका मतलब यदि परमुटेशन बोलेगा तो जब यहाँ ऊपर में था उसका और यहाँ घटा के केवल लिख रहे, यदि कम्बिनेशन बोलेगा तो क्या एक बार घटा के और एक बार क्या इस चीज को लिखना है, इस चीज को क्या करना है याद रखना है, तब आपका क्या होगा बनेगा। तो इसको हम चेक करते हैं क्या स्थिति हो रही थी, इसको रिजल्ट करेंगे फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 4 माइनस 2, इसको सॉल्व करेंगे 4 गुना 3 और फैक्टोरियल 2 रहने दिए ना, 2 कैंसिल 4 3 12 2 से कट गया कितना 6 और माइनस बोला था एन घटा दीजिए तो कितना 2 गो, आयत में होता है 2 गो विकर्ण सीखे। अब यहाँ क्वेश्चन बोला था 10 भुजा वाला है, इसका मतलब 10C2- कितना 10, अब इसको हम सॉल्व करेंगे फैक्टोरियल 10 बटे कॉम्बिनेशन में क्या करता है ये सेम लिखता है, वो घटा के लिखता है 10 माइनस 2 कितना 8 है माइनस कितना 10, अब इसको सॉल्व करेंगे तो आसान तरीका फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 10 का मतलब है 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 कब तक 1 तक, लेकिन 1 तक इसीलिए नहीं लिखेंगे इसको भी फिर तोड़ना पड़ता है 8 7 6 5 4 3 2 1 तक जाता, उससे अच्छा 8 ऊपर में मिलेगा तो उसी वहीं छोड़ देंगे, इसको 10 गुना 9 लिख दिया फिर फैक्टोरियल 8 में क्या कर दिए छोड़ दिया, 2 का वैल्यू 2 गुना 1 फैक्टोरियल 8 माइनस कितना 10, 8 8 कैंसिल 2 5 कितना 10, 9 5 45 और 45 में 10 घटेगा कितना 35, इसका मतलब 10 भुजा वाला में विकर्णों की संख्या कितना 35। 14वां सवाल बोला इसका सरल करने पे क्या मान होगा, यदि आप a प्लस b का स्क्वायर और a माइनस b का स्क्वायर नहीं जानेंगे तो आपसे क्या होगा नहीं बनेगा ना, ये सूत्र होता है यही सूत्र होता है, आपको सूत्र छोड़ेगा नहीं, a का स्क्वायर मतलब 5 b √3 का स्क्वायर मतलब 3 प्लस 2 रूट कितना 5 और 3
माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस टू ए बी। आगे मेरा क्या होगा, पांच तीन कितना आठ और प्लस दो रूट कितना पांच तीन पंद्रह माइनस आठ आइए कितना आ गया दो रूट पंद्रह। आठ आठ कैंसिल दो और रूट पंद्रह और दो रूट पंद्रह कितना चार रूट पंद्रह। मेरा किस ऑप्शन में था, सी ऑप्शन में था, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट पंद्रह पंद्रह क्वेश्चन है, पांच खुमानियों का औसत भार 200 ग्राम है। जब पांच खुमानी का भार जो है औसत भार कितना 200 ग्राम, तो टोटल भार पांचों का कितना पांच गुना 200, यही ना जितना रहता है और जितना औसत रहता है उसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल मेरा निकल जाता है। इसका मतलब पांच गो का जो है भार कितना हो गया 1000 ग्राम हो गया। अब बोला यदि दो गो को और मिला देते हैं तो बोला औसत भार 210 ग्राम। जब पांच गो था तो क्या हो गया सात गो, बोला औसत भार कितना 210 ग्राम हो जाता है। जब सात गो का औसत 210 हो गया तो सात गो का टोटल कितना होगा, तो सात गुना क्या 210 मतलब 707 दो कितना 14। अब आप ही बताएं कि दो गो का क्या होगा, पांच गो का हो गया 1000 और सात गो का हो गया कितना 1470 मतलब दो गो का भार कितना 1470 माइनस 1000 बराबर कितना 470। यदि दो गो का भार पूछता हम कितना लिखते 470 ग्राम लिखते, लेकिन बोला ये दो गो जो है इसका भी औसत निकालना है। जब इसका औसत निकालना है तो टोटल था 470 और दो गो था तो दूसरे भार कितना 235 ग्राम था मेरा ऑप्शन में बी ऑप्शन में था, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन से, बोला इतना और इतना को जोड़ दीजिए उसके बाद इतना में इतना अंतर कर दीजिए मतलब घटा दीजिए उसके बाद इससे क्या कर दीजिए भाग दे दीजिए विभाजित कर दीजिए जो रिजल्ट आएगा वही आपका क्या होगा आंसर आएगा। शुरू करते हैं 0.25 मतलब 25 पैसा 0.75 दोनों जोड़ के कितना 1 और इसको घटाता 0.5 में 0.3 तो कितना 0.2 दशमलव उड़ गया 10 पांच कितना 5 था। आसान सवाल इतना हल्का सब सवाल क्या करता है पूछता है। 17वां सवाल बोला एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 1200 उसकी लंबाई 40 मीटर, हम जानते हैं क्या क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। मेरा सवाल में दिया हुआ था क्षेत्रफल है 1200 और लंबाई कितना 40, तो हम चौड़ाई नहीं निकाल सकते हैं आराम से निकाल सकते हैं 0 0 कैंसिल 4 3 20 इसका मतलब बी का वैल्यू कितना 30 मीटर कितना 30 मीटर मीटर से रिलेटेड था। अब क्वेश्चन बोला कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात निकालिए, नहीं निकलेगा लंबाई था 40 चौड़ाई हम निकले 30 से कैंसिल कितना 4:3। इतना सरल सब प्रतियोगी परीक्षा में क्या होता है क्वेश्चन पूछता है। 18वां सवाल 80,000 में एक मोटरसाइकिल खरीद के 60,000 में बेच दिया, 80,000 में खरीदा और 60,000 में क्या कर दिया बेच दिया तो घाटा कितना 20,000। तो बोला था हानि प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत बराबर क्या हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य कितना 80,000 कितना बार में 4 बार में 25 × 16 कितना प्रतिशत 25% मेरा हानि किस ऑप्शन में था ए ऑप्शन में था, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। 19वां सवाल है बोला कि 20 पुस्तक बेचने पे 20 किताब यदि हम बेचते हैं तो 4 के बराबर लाभ होता है। अच्छा थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, यदि 20 को बेचते हैं तो हम विक्रय मूल्य कितना मान ले 20, तो बोला था लाभ जो होता है वो 4 पुस्तक के बराबर होता है। इसका मतलब जब हम 20 को बेचे और 4 के बराबर लाभ हो गया इसका मतलब हमको खरीद मूल्य क्या होकर लगा था 16 होकर लगा था, तब ना 4 लोग हम एक्स्ट्रा फायदा कमा लिए। अब बोला था क्या कीजिए लाभ प्रतिशत, जब ये डाटा मेरा मिल गया सीख लिए तो लाभ प्रतिशत क्या लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य, लाभ 4 का हो गया बटे गुना 100 बटे क्रय मूल्य कितना 16 4 × 16 25 × 100 कितना प्रतिशत 25%। 20वां सवाल है 300 मीटर की दूरी तय करने के लिए 100 सेंटीमीटर व्यास वाला पहिया कितना चक्कर लगाएगा, इसका मतलब ये पहिया जो है कितना व्यास है, बोला 100 सेंटीमीटर व्यास है, बोला कि 300 मीटर क्या करना है सफर करना है, बोला इसका कितना चक्कर मारेगा जो कि कितना हो जाए 300 मीटर क्या हो जाए
पूरा हो जाए। हम क्या क्या कर सकते हैं, ऐसा करते हैं एक चक्कर में ये कितना सफर कर रहा है उसका हम निकाल लेते हैं। जब एक चक्कर का हम निकाल लेंगे, हाँ ये 10 मीटर चलता है, 20 मीटर चलता है, और टोटल हमको 300 यदि चलना उससे हम भाग दे देंगे, मेरा चक्कर का संख्या निकल जाएगा। ऐसा हम करते हैं, एक चक्कर जब पूरा चलेगा वो इसका मतलब यदि परिधि का मान निकाल लें तो मेरा क्या आ जाएगा, राह आसान हो जाएगा। तो परिधि का मान कैसे निकालेंगे, इसका डी का मान दिया होता, व्यास दिया होता कितना 100 सेंटीमीटर, ये मीटर में था, इसको भी कन्वर्ट करेंगे, 100 सेंटीमीटर में कितना मीटर, 1 मीटर। और यदि ये व्यास का मान था तो हम आर त्रिज्या का मान निकालेंगे, क्या व्यास बटा 2 मतलब कितना 1/2। अब बात आया है परिधि का, परिधि यदि हम निकाल देते हैं तो एक चक्कर का मान आ जाएगा, हम परिधि का मान निकालते हैं कितना 2π मतलब 2 × 22/7 × 1/2 कितना 2 2 2 कैंसिल हो गया कितना 22/7। हमको बोला था कितना मीटर है, 300 नहीं 330 मीटर सफर करना था। अब जब एक चक्कर का हम लगा दिए कितना दूर तय कर रहे हैं 22/7, तो हमको 330 चलना है, तो 330/22 कितना 7, मेरा इससे क्या निकल जाएगा, चक्कर का संख्या निकल जाएगा। 22 ना 11 × 33 15 × 7 कितना 105। इसका मतलब हम 105 चक्कर लगाएंगे तो 330 मीटर क्या कर लेंगे, सफर कर लेंगे। 21वां सवाल मेरा अंकित मूल्य से रिलेटेड है। क्या क्वेश्चन बोला, बोला कि 6400 एक सामान का क्या है दाम है मोबाइल का, बोला 2 क्रमिक छूट देता है, एक पहला छूट जो है 20% देता है और दूसरा कितना देता है मालूम नहीं है। उसके बाद बोला यदि 2560 रुपये में बेचता है, बोला ये जो क्रमिक छूट था इसका क्या कीजिए, वैल्यू निकालिए। हम आराम से बना सकते हैं बाय प्रोसेस भी, 6400 गुना बोला 20% छूट मतलब 80/100 गुना यहाँ कुछ नहीं था, मान लिए कितना प्रतिशत छूट दिया, x प्रतिशत दिया, तो यहाँ जब यहाँ 10% रहता 10 कम करके लिखते, यहाँ x प्रतिशत दिया क्या करेंगे 100 − x/100 कितना दे रहा है 2560। आगे हम करते हैं 2020 क्या हो गया कैंसिल हो गया, 20 × 80 20 × 100 क्या बचा 100 − x × 64 × 5/ कितना 64 × 4/200 यही बचा ना। अब एक्स 100 − x बराबर वैल्यू कितना 2560 × 5/64 × कितना 4, 64 × 4 कितना 256 यहाँ था कितना 2560 मतलब 10 हो गया कितना 50, तो 100 − x = 50 तो x का वैल्यू कितना 50%। इसका मतलब सेकंड जो मेरा छूट दिया था कितना दिया था 50% दिया था, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। अब दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं, ये छूट यदि 20 है और ये x है, इसको क्रमिक हम छूट कर सकते हैं, यहाँ कितना परसेंटेज हो रहा है ये भी आप करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा बन जाएगा। 22वां सवाल थोड़ा सा क्वेश्चन मिसप्रिंट है, यहाँ ओसी छूट गया था इसको ठीक कर लेंगे। बोला इस कंडीशन से एक्स का मान क्या होगा निकालिए, जब ए बी जो है समांतर है किसका सी डी का, इस फॉर्म में आपको रेखा गणित में पढ़े हैं क्या, ये भुजा जो मान होगा इतना बटे इतना बराबर इतना बटे क्या इतना, इसका मतलब क्या ए ओ बटे ओ सी बराबर ओ डी बटे ओ बी। इस चीज को यदि आप बना लेंगे तो फिर आपका राह क्या आ जाएगा आसान, मान केवल पुट करना, ए ओ का मान कितना 2 बटे ओ सी का मान कितना, सबका मान दिया हुआ है, केवल क्या करना है सॉल्व करना है ओ डी, यदि जो नहीं जानेगा ये चीज तो फिर नहीं बनेगा। ओ बी का मान कितना x+4, इसको हम सॉल्व करेंगे x का मान निकालेंगे, जो भी मान होगा वही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 23वां सवाल क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका, इसके पीछे भी आप यदि क्लास देखे होंगे बना सकते, इसी को बोलते हैं क्या माध्यिका, बोला कि 3 सेंटीमीटर है, तो बोला कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होता है 3/4 गुना भुजा का स्क्वायर। अब यहाँ भुजा का मान तो मालूम नहीं है लेकिन ये क्या दिया हुआ है, इसका माध्यिका दिया हुआ था, तो आप इसको ए मानेंगे, ये भी पूरा ए, ये कितना 1/2। अभी समकोण त्रिभुज करके ए का क्या कर सकते हैं मान निकाल लेंगे, जो भी मान निकलेगा इसमें हम क्या करेंगे सेट कर देंगे भुजा की जगह ए, और आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका, दूसरा तरीका हम बताए थे ये जो माध्यिका का
कैसे होता है उस चीज को भी इसके पीछे हम सिखाते हैं। माध्यिका की लंबाई जो होता है √3 क्या भुजा आता है, माध्यिका की लंबाई था 3 कितना √3 ये कैंसिल हो गया कितना a = √3। अब इसमें सेट कर देंगे तो √3/4 गुना भुजा का मान कितना √3 का स्क्वायर निकाले हैं, √3/√3 ये दोनों क्या हो गया कैंसिल हो गया, इसका मतलब √3/√3 हो गया और √3 कितना 3/√3 यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। था आसान सवाल, 24वां सवाल फिगर से रिलेटेड है, आराम से हम बनाएंगे तो फिर बन जाएगा, नहीं तो क्या होगा परेशानी होगा। क्या क्या था बोला कि इस ढंग का एक क्या था डायग्राम बना हुआ था, बोला इसका वैल्यू जो है 2x है और इसका वैल्यू कितना है 3x+10 है, बोला x का मान क्या कीजिए निकालिए। आप पढ़े हैं ना क्या क्या पढ़े हैं, तो पहले इस एंगल का मान हम निकालेंगे, इस एंगल का यदि आप मान निकाल लेंगे तो इतना बराबर हम क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं ना, तो इसका मान कैसे निकलेगा हम कह सकते हैं यहाँ जो लाइन था ये 180 डिग्री था, ये इतना सा भाग 2x, इसका मतलब ये भाग कितना 180 माइनस 2x। अब तो इसको लिख सकते हैं ये एंगल बराबर ये एंगल, ये एंगल बराबर ये एंगल, इसी एंगल का ट्विस्ट था जब इस एंगल का मान निकाले, क्यों इसीलिए ये पूरा जो होगा तो कितना डिग्री का 180 डिग्री, से मतलब ये पार्ट ये दीजिए पड़ता तो 180 में इसको घटा देते, अब ये जो ये पार्ट निकल गया अब इतना बराबर क्या लिख सकते हैं ये लिख सकते हैं 180 माइनस 2x और कितना 3x+10। इसको इधर भेज दिए कितना 170/5x से कट गया, x का वैल्यू कितना 34 डिग्री, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है नेक्स्ट सवाल, इस सीरीज का अंतिम सवाल, अंतिम सवाल, डायग्राम जो आप देख रहे हैं इस डायग्राम में क्या क्या है, इस डायग्राम में भी 25 में आसान है, क्वेश्चन बोला था बताइए ADB का मान क्या होगा और AOB का मान क्या होगा, उसको क्या करना है निकालना है। इसमें हम क्या क्या देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं हमको बोला था ADB मतलब कि इस एंगल का मान क्या करना है निकालना है, यदि ये एंगल का मान हमको निकालना था ये तो हम देख रहे हैं ये एंगल जितना होगा इसका मान होगा क्या सेम होगा, इसका मतलब ये 60 डिग्री था इसका भी मान क्या हो गया 60 डिग्री, हम ADB लिख सकते हैं कितना डिग्री 60 डिग्री। अब क्वेश्चन बोला था AOB इसका मान क्या होगा, ये जो अर्धवृत्त पे बना हुआ कौन जो होता है इस एंगल के क्या होता है डबल होता है, इसका मतलब ये 60 डिग्री, ये एंगल कितना 120 डिग्री, यही चीज हमको क्या करना था निकालना था। तो रेखा गणित से भी रिलेटेड आपको क्या दिखाए कैसे प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आशा और उम्मीद है यह सीरीज आपको बेहद अच्छा लगा होगा, अधिक से अधिक दोस्तों को हम चाहेंगे शेयर करें, यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलेंगे इसके नेक्स्ट सीरीज में, तब तक हमारे YouTube चैनल के साथ बने रहें, धन्यवाद।